हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिव पर। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? पेश है क्रिटिकल एनालिटिकल रिव्यू यक्षिणी। यक्षिणी यह एक सुपरनेचुरल हॉरर सीरीज है। यक्षिणी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, हिंदी और बांग्ला में रिलीज किया गया है। इस सीरीज का निर्देशन तेजा मारनी ने किया है। सुपरनेचुरल सीरीज देखने के शौकीनों के लिए यक्षिणी एक हल्का ऑप्शन है। यक्षिणी की कहानी लोक कथाओं और मॉडर्न रोमांस का मिक्सचर है। यक्षिणी दरअसल देवलोक के द्वारपाल और सेवक होते हैं, यह पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। यक्षिणी को मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर रहना निषेध किया गया है। अलकापुरी की एक यक्षिणी माया एक बार देवताओं का लावण्य रस चुराकर किसी से प्रेम और सेक्स कर लेती है, जिसकी उसे परमिशन नहीं होती है। देवलोक अलकापुरी के नियमों को तोड़ने पर उसकी निंदा की जाती है और उसे देवता को भी उसे शौप देते हैं कि अगर उसे देवलोक अलकापुरी वापस आना है तो उसे 100 मर्दों की बलि देकर देनी होगी। इसके बाद वह अपनी खूबसूरती से मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाती है। लेकिन जब उसे अपना एक सौवां शिकार मिलता है तो कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। उसकी आखिरी शिकार कृष्ण नाम का एक पुरुष है जिससे उसे सच का प्रेम हो जाता है। एक और कैरेक्टर है ज्वाला यक्षिणी का, जिसे माया से जलन है, ईर्ष्या है। वे नहीं चाहती कि माया देवलोक अलकापुरी वापस आए, तो वे बीच बीच में पृथ्वी पर आकर माया के काम में बाधा डंडा डालती है। बाबा है जिसका नाम महाकाल है, वह तंत्र मंत्र का काम करता है। उसे मालूम चलता है कि रहस्य में हत्या विचित्र परिस्थितियों में हुई है। वह अपने अंदाज से इस नतीजे पर पहुंचता है कि देवलोक से कोई यक्षिणी पृथ्वी पर घूम रही है। अगर वह उसे अपने बस में कर ले तो वह भी देवलोक जा सकता है और अमर भी हो सकता है। उसे दुनिया के हर ऐश और आराम मिल जाएंगे। अब क्या यह माया यक्षिणी अपना लक्ष्य पूरा करके देवलोक अलकापुरी वापस जाने में सफल होती है, या फिर यह बाबा इस यक्षिणी को कैद कर उसकी शक्तियां लेकर देवलोक जाता है? क्या कृष्ण की प्रेम कहानी सफल होती है या अधूरी रह जाती है? यही इस सीरीज का मूल सारांश है। दोस्तों, इस सीरीज का जो क्लाइमैक्स और एंडिंग है, उस हिसाब से अभी सीरीज तो खत्म नहीं हुई है और अगले सीजन की गुंजाइश रखी गई है, तो आप समझ सकते हो कि क्लाइमैक्स में क्या हुआ होगा। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की, तो यह एक बहुत ही साधारण स्तर की सुपरनेचुरल हॉरर मर्डर मिस्ट्री टाइप सीरीज है, जिसमें की सस्पेंस, इंटेंसिटी, हॉरर वाले सभी एलिमेंट हल्के फुल्के तरीके से दिखाए गए हैं। सीरीज खींची हुई और लंबी है, 6 एपिसोड लाइव तो हमें नहीं लगी। एक छोटी टेलीफिल्म टाइप 1.5 घंटे में या 3 एपिसोड में तेज गति से दिखाई जाती तो बढ़िया रहता। बाबा वाला एलिमेंट थोड़ा ठीक लगता है कि एक मनुष्य कैसे देवलोक की अप्सरा को, यक्षिणी को, बस में करना चाहता है। इस एलिमेंट को भी थोड़ा ज्यादा खींच कर दिखाया गया है। ओवरऑल सीरीज का प्रोडक्शन वर्क साधारण है, ग्राफिक और VFX का भर भर के इस्तेमाल है, परंतु बेसिक स्तर का है। साफ समझ में आ जाता है कि यह तो 2D कंप्यूटर ग्राफिक जैसा है, जिसे देखकर मजा बिल्कुल भी नहीं आता। ओवरऑल सीरीज हमें बहुत डिसअपॉइंट करती है। शुरुआत में जो एक्साइटमेंट था, वह दूसरे तीसरे एपिसोड में आते आते बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सर दर्द होता है और हमको लगता है कि अब इसे बंद कर दिया जाए, परंतु क्योंकि एक बार शुरू कर दिया तो क्लाइमैक्स देखने का मन था और सीरीज अभी खत्म भी नहीं किया गया है, इस कारण एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। एक छोटे से कॉन्सेप्ट, छोटे से स्क्रीन पे कहानी को 6 एपिसोड में खींचना व्यर्थ ही है और उस पर भी अगले सीजन के लिए कहानी को अधूरा छोड़ देना व्यर्थ ही नजर आता है। वैसे तो डिज्नी हॉटस्टार वाले अपनी कई सीरीज के 1.2 एपिसोड करके दिखाते हैं, परंतु इस सीरीज के पूरे एपिसोड एक बार में ही रिलीज कर दिए। शायद उनको भी अंदाज हो गया कि सीरीज में दम नहीं है। सीरीज को आप नहीं देखोगे तो कुछ खास मिस नहीं करोगे। हम इसे देखने के लिए रिकमेंड तो नहीं कर सकते। हमारा यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने यह फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अभी का हमारा टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।